और वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री की माताजी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। डिप्टी सीएम से बात की हमारे संवाददाता ने। पीएम मोदी की मां का आज 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग जुड़ाव दिखता था उनकी मां के साथ। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए और सबके? ये अपूर्णीय क्षति है मां का जाना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां के निधन की सूचना जैसे ही सुबह सवेरे हम सबको मिली, हम सब हतप्रभ रह गए। उत्तर प्रदेश भर से हजारों फोन कॉल्स आ रहे हैं कि कब कैसे क्या हुआ, और टेलीविजन के माध्यम से हम सब अंतिम यात्रा को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। माँ और पुत्र का एक भारतीय संस्कृत में क्या संबंध होता है, हम लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माँ के साथ देखा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि माँ को अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करें। तो हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का एक खास जुड़ाव देखा जाता था उनकी मां के साथ, और यही वजह है कि जो चाहे भाजपा से जुड़े तमाम नेताओं की बात करें या फिर दूसरे नेताओं या फिर उन आम लोगों की बात करें जो पीएम मोदी से जुड़े हैं, वो अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मां को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज।